हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल पीएमजे सर। आज हम लोग जो सेटअप सीखने वाले हैं वो कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ है। थ्रेड दिख रहा है तुमको, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस बाय अ प्रैक्टिकल मेथड। नाउ व्हाट इज़ रेजोनेंस? बेसिकली इज़ ये दो फ्रीक्वेंसी का मैच है और वैसा ही कुछ हम यहाँ पर सीखेंगे। इन योर सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दैट इज़ योर क्लास 12, उसमें हम लोग ने सीखा है कि ऑब्जेक्ट्स है, लेंथ है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी और लेंथ, अगर हम मल्टीप्लाई करें एंड इफ इट मैचेस विद सम अदर थिंग विद द फ्रीक्वेंसी एंड द लेंथ देन रेजोनेंस अकर्स। यही कुछ हम लोग इस सेटअप पे करने जा रहे हैं। लुकिंग एट द सेटअप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास 6 मास है, सब इक्वल है। लेंथ देखोगे तो यहाँ पे कुछ अलग लेंथ है, यहाँ कुछ अलग लेंथ है, यहाँ कुछ अलग है, बट इसमें भी एक जजमेंट लिया गया है, वो ये है कि इन दोनों की लेंथ हमने सेम रखी है बाय मेजरमेंट्स। ये दोनों की लेंथ हमने सेम रखी है और बाकी सब डिफरेंट रखा हुआ है। बाकी अरेंजमेंट यहाँ जो तुमको दिख रहा है ऐसा इसका हमको कोई काम नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट देने के लिए है। व्हाट वी वांट इज दैट यू कैन आल्सो ट्राई एट योर होम इज, एक तुमको स्ट्रिंग चाहिए, उसमें टेंशन जनरेट कर रहा है बिकॉज यू नो द फॉर्मूला फॉर सोनोमीटर, दैट इज एन इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ टी बाय एम। हमको टी चाहिए, वो टी के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्टैंड्स लिए हैं और इनको स्ट्रेच किया। Now after applying that stretch it may come closer, that is why these masses are there. इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। Now let us begin with your experiment. एक्सपेरिमेंट में करेंगे क्या हम लोग? Since we know that every object has got its natural frequency and its resonant frequency. तो अगर मैं इसको oscillate करूँ, like if I oscillate this mass, what is my observation? If I oscillate this? Now before I start with my observations, एक थियोरी बैकग्राउंड हम लोग याद रखेंगे, वो ये है कि जब मैं इसको ऑसिलेट करूँगा, इसको जो भी हम एम्पलीट्यूड देंगे, एज पर इट्स लेंथ इट विल ट्रांसफर एनर्जी थ्रू दिस स्ट्रिंग टू द अदर्स। सब ऑसिलेट करेंगे पर कुछ देर के बाद में इसके लेंथ को मैच होने वाला स्ट्रिंग सिर्फ ऑसिलेट करेगा एंड द रेस्ट विल गो। इफ आई मैच दीज टू, ये मैंने इक्वल बोला था, तो जब मैं इसको ऑसिलेट करवाऊँगा थोड़ी देर के लिए पहले सब ऑसिलेट करेंगे, उसके बाद हमको दिखेगा कि सिर्फ यही ऑसिलेट कर रहा है। सो द थिंग इज़ कि अगर दोनों के लेंथ मैच करते हैं तो ऑसिलेशंस शेयर करेंगे वो लोग और दोनों रेजोनेंस में आ जाएंगे। सो लेट अस कम टू द सेटअप एंड सी द रीडिंग्स। रीडिंग देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल लेंथ के बोले हुए हैं, तो मैं एक को ऑसिलेट कर देता हूँ। नाउ वी विल जस्ट चेक विच वन इज ऑसिलेटिंग। ये देखो ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया है इसका, ये भी ऑसिलेट हो रहा है। बट नाउ इफ यू चेक द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल दिस यू विल फाइंड दैट दिस पेंडुलम हैज शेयर्ड द मैक्सिमम ऑसिलेशंस विद दिस या एम्पलीट्यूड विद दिस। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस फर्स्ट एंड द फोर्थ वन आर इन रेजोनेंस। नाउ दिस विल गो, दिस एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू समथिंग एल्स। अब फिर से ये रुकेगा और ये फिर से ऑसिलेट करेगा। यू कैन चेक इट फ्रॉम द अदर एंगल्स ऑल्सो, फ्रॉम द राइट व्यू यू विल सी लाइक दिस। From the left, you may see in this manner. Okay, तो at least हम लोग ने ये small वाला खत्म कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं ये longer वाले पे क्या होता है। Now ideally जो हमने अभी verify किया था, इसने इसको energy दिया है तो इसका energy इसके पास जानी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इनके ऑसिलेशंस देखोगे, एम्पलीट्यूड देखोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एम्पलीट्यूड है, पर इनके पास एम्पलीट्यूड्स है। नाउ दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली वी मीन बाय रेजोनेंस, वेयर द लेंथ इज मैचिंग एंड दे आर शेयरिंग देयर एम्पलीट्यूड्स। सो रेजोनेंस इज अ फिनोमेना विच इज यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। जैसे तुम लोग के 12th स्टैंडर्ड में जो प्रैक्टिकल्स है उसमें रेजोनेंस ट्यूब का सेटअप है, जहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल रहे हैं।
सोनोमीटर एक प्रैक्टिकल है जहाँ पे हम लोग रेजोनेंस यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजोनेंस यूज़ होता है, एफएम सर्किट में इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है। बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे रेजोनेंस यूज़ होते हैं। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज द सेटअप, एन ईजियर सेटअप टू एक्सप्लेन रेजोनेंस। यू मे ऑल्सो ट्राई इट एट योर होम विथ दिस थिंग्स। तुम एक और इसमें चेंजेस कर सकते हो कि इनके मासेस डिफरेंट ले सकते हो, सेम लेंथ रखो लेकिन मास डिफरेंट करके एक बार वो चेक करो कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मास और नॉट। सेकेंड थिंग, 5 डिफरेंट ही मास रखो और लेंथ सेम रख के फिर देखो, 6 ऑब्जेक्ट लगा दो अलग अलग मासेस वाले पर लेंथ सबके सेम रख दो, वो भी चेक कर सकते हो एंड वी कैन वेरीफाई समथिंग एल्स ऑल्सो। ऑलराइट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ऑल दिस यू कैन पुट इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।